देखियो गहराई। ओपी वाह भाई ओपी भाई, एक बार ओपी भाई से बोलते कि बिना बिना जूते हुए चला के दिखाओ, बिना जूते हुए में चला के दिखाओ एक बार। अभी हमारा 240 है अभी जो इसको भाई, मैसी का डेमो चल रहा आज। मैसी की हाइड्रोलिक बहुत अच्छा। चौसाना गांव है जो भाई शामली जिले में पड़ता है, तो इनके पास कई यहाँ पे ट्रैक्टर है, नया ट्रैक्टर है बिल्कुल अपना डायना ट्रैक 246। भाई आज खेत भी बिल्कुल सूखा है, देखो उसके पास ही चल रहे भाई। तो भाई 9500 चलाएंगे 3 MB रिवर्सेबल प्लो में, और इसका जो अलग सी बात यह है कि बिल्कुल सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी फाड़ना थोड़ा सा ट्रैक्टर के लिए बड़ी बात हो जाती है, तो सूखी मिट्टी में चलाएंगे आज। भाई MB प्रो के मामले में जो मैसी का ये ट्रैक्टर है, इसका जो बलबूता ये कायम है, देखो कायम है। बाकी जो और कंपनियों वाले जो एक्सपर्ट बंदे हैं, डेमोस्ट्रेटर वगैरह है अदर कंपनी वालों के भी, वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि MB प्रो पे मैसी का जो ये ट्रैक्टर है इसका बोलबाला है। चला अदर कंपनी वाले भी देते हैं, ऐसी बात है कि वो नहीं चलाते, वो भी चला देते हैं, लेकिन जिस मोमेंटम में या कह सकते हैं जितना अच्छा ये चला देगा, जितना सटीक साथ ये चला देगा, उतना चलता नहीं किसी पे। कह सकते हैं कि इसकी जो लिफ्ट स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, सेंसिंग स्टेबिलिटी जिसे बोल देते हैं, बिल्कुल एक स्तर तक। ठीक है जी, और एग्री स्टार के जो है 3 MB प्लाव है, 3 MB रिवर्सिबल प्लाव है। अब एक बार गहराई देखो अब यहाँ, ठीक है जी। देखियो गहराई, ओपी वाह भाई ओपी की गहराई भी आपको मैं पूरी चेक कराऊंगा, क्योंकि तो जो सूखी मिट्टी होती है भाई उसको फाड़ना अपने आप में बड़ी बात होती है। मैं आपको पूरी चेक कराता हूँ एक बार, देखिए किस तरीके से डले बन रहे हैं। हो भाई यहाँ से देखो आप। अच्छा नाम क्या भैया आपका? मोहम्मद वासिद है जी। अच्छा कैसा चल रहा जी ट्रैक्टर? बेहतरीन, बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? फिलहाल तो कोई सा नहीं, फिलहाल जी हमारे पे। अच्छा फिलहाल कोई सा नहीं है जी, चलो कोई नहीं कोई नहीं, ट्रैक्टर कोई सा भी उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता कि किसान जो ले लेंगे। अच्छा भाई वो ट्रैक्टर खड़ा होके नीचे गिरता है, लेकिन पीछे से जो लिफ्ट है वो इस तरीके से सेंसिंग कर रही है कि बिल्कुल ही प्लो नहीं हिल रहा बिल्कुल भी।
ट्रैक्टर आगे से गिरता है उठता है गिरता है उठता है। देखो वाह भाई, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है। देखो उठ इसलिए रहा है, ज्यादा गहराई है। एक बार आप यहाँ पे देखो, एक बार इतना प्लाव तो लगाना मेरे हिसाब से तो ठीक भी नहीं है, इतना तो लगाना भी नहीं चाहिए। मैक्सिमम एक से सवा फीट ही लगाना चाहिए, और ये 2 फुट के आसपास ना लग रहा हो, 1.5-2 फुट के आसपास लग रहा होगा। तो बाकी भाइयों जो ये मिट्टी पलटती है, यहीं पे जो है दूसरा ट्रैक्टर चला के देखेंगे, रोटावेटर पर या कल्टीवेटर पर। ठीक है जी, एक बार ओपी भाई से बोलते हैं कि बिना बिना जूते हुए चला के दिखाओ, बिना जूते हुए चला के दिखाओ एक बार। तो भाई जो बिना खेत जुता हुआ है, किसी भी तरीके से जुता हुआ, ये देख लीजिए आप, उसमें चला के देखेंगे। वैसे भी ये ग्राउंड है, क्योंकि जुते हुए खेत में तो कोई भी चला के दिखा देगा। मेन चीज है जब तप्पड़ पारना पड़ता है। देखो यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, बहुत पक्की मिट्टी है, सूखा है, ये देख लो 1.5 फीट के आसपास गहराई होगी, 6 इंच। रोकला रोकला ब्रो रोकला, नहीं गड्डियां निकलनिया नहीं है, रोकला। भाई ये पूरा मैदान है, ये देखो ना इधर। भाई मैसी 9500 स्मार्ट चल रहा है, और 13 फाले के जो है कल्टीवेटर हैं, बड़े कल्टीवेटर हैं,